इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के मक्सी बाईपास रोड पर, जहाँ पर पुणे से नेपाल की ओर जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई है। उसमें आग लग गई है और करीब 150 से ज़्यादा लोग इसमें भरे हुए थे। गनीमत की बात है कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन माल की बहुत हानि हुई है। ये सभी नेपाल के लेबर हैं और जो घरेलू काम करते हैं महाराष्ट्र में, वो सभी लोग यहाँ अपने घर जा रहे थे और उनका बहुत नुकसान हो गया। यहाँ पर सामान जल गया है, नोट जल गए हैं, लैपटॉप था किसी के पास, मोबाइल था। ये बस का नंबर आप नोट कर लीजिए, ये बस 3000 रुपये प्रति हेड के हिसाब से बुक की गई थी और 150 से ज़्यादा लोग इसमें भरे हुए थे। अगर कोई जनहानि होती तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में बस वाले की लापरवाही भी समझ में आती है। एक 50 सीटर बस के अंदर 150 आदमी भर के वो लेके जा रहा था। मैं आपको मौके से दिखाना चाहता हूँ, ये सारा सामान है, जो जान तो बच गई लेकिन सामान माल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये वो सारा सामान है घरेलू, जो कमा करके महाराष्ट्र से लौट रहे थे वो। और ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये मौके पर ये जले हुए नोट है, ये वो खरी कमाई है जो वो घरेलू काम करके अपने वतन की वापसी कर रहे थे और इस तरह से उनका भारी नुकसान हुआ है। हादसा बताया जा रहा है कि टायर पंक्चर हुआ, उसके बाद जो चिंगारी उड़ी उससे हादसा हुआ है। निश्चित रूप से बस ओवरलोडेड थी, सामान भी बहुत ज़्यादा था, 150 लोग उसमें भरे हुए थे, जिसके कारण ये हादसा बताया जा रहा है। कोई यहाँ पे कोई मौजूद है? कितने लोग आप जा रहे थे टोटल बस में? इतने तो पता नहीं है मुझे, हम लोग तो एक टिकट में 6 आदमी थे। कितना रुपया लिया था एक आदमी से? 3000। और बच्चों से? बच्चों का भी 3000। 3000 रुपया। अनुमानित कितने लोग भरे थे इसमें? 120 बता रहे हैं। कितना? 120 बता रहा है। 120 के करीब। हाँ, ऊपर भी इतना छत पूरा भरा था सामान से, मतलब बस ओवरलोडेड थी। अच्छा, ये बताइए कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप सभी? पुणे से धनगढ़ी चौक, नेपाल। नेपाल? हाँ जी। क्या काम करते थे आप वहाँ पर? हम नहीं करते थे, हमारा पति। क्या करते थे? गाड़ी चलाते। अच्छा, मतलब इकट्ठे एक साथ क्यों लौट रहे थे आप लोग सभी? हाँ जी। एक साथ क्यों वापिस जा रहे थे सारे लोग? तो वो लोग उधर ही रहे, हम लोग बच्चे पढ़ाने के लिए गांव जा रहे थे। बच्चे पढ़ाने के लिए? हाँ जी। सभी सभी नेपाल के हैं लोग? सारे के? हाँ, सारे नेपाल के, कोई नहीं है इंडिया के। कितना नुकसान हुआ है? ये बहुत सारा नुकसान हुआ, देख लीजिए ना आगे पूरा, कितना सामान है, पैसा है, मोबाइल है, बच्चों का कपड़े, जूते, चप्पल, चुन्नी तक भी नहीं ले पाए हम लोग। अभी हाल फिलहाल में आपके पास क्या वापस नेपाल जाने के लिए कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं है व्यवस्था। क्या क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? पता नहीं क्या। सरकार मदद करे आपकी? हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है। मेरा भी देवास की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे निवेदन है कि चूंकि नेपाल के लोग हैं, बहुत भारत से जुड़े हुए रहते हैं, आपका हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, ऐसे में ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जरूर आगे आएँ। बच्चे भी साथ में हैं और इनको फिलहाल मदद की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार से नेपाल पहुँचे। माल की तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, गनीमत यह रही कि जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ की हाईवे पेट्रोलिंग टीम जो बाईपास की है, उसने तुरंत जो है सवारियों को उतारा और आग पर फायर ब्रिगेड को बुलाकर काबू पाया। ऐसे में देवास के प्रशासन ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब इन लोगों को सभी को मदद की आवश्यकता है, जो कि की जानी चाहिए। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।